अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल तो बहुत सारा रख रहे होंगे और डेफिनेटली मुझे दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। तो जी, अरेबियन एक स्वीडिश है जो जिसका नाम है कुनाफा, और बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है इसके बारे में। मुझे भी बहुत कम पता था, बट वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड ने मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने इसको ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगी। तो मैंने उसको वापस ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारे फ्लेवर्स मैंने इसके ट्राई किए हैं। ये कुछ इसके बारे में है कि कुनाफा है क्या। ये एक लेयर होती है, इसमें नूडल्स दिखा हुआ है इसके ऊपर, बट ये एक सेविंग की लेयर होती है जिसको आप बटर में मैरिनेट करते हैं। बीच में इसकी एक लज़ानिया की तरह क्रीम या चीज़ है, जो भी आप फ्लेवर सेलेक्ट कर रहे हो उसकी लेयर आती है, और लास्ट में फिर से आ जाती है जी लेयर जो कि आपकी सेविंग की होती है। और लास्ट में जब आपको ये प्रेजेंट किया जाता है तो इसको शुगर फ्री बनाया जाता है और उसके ऊपर आप डालते हैं शुगर सिरप और जी, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत ही मज़ेदार अरेबिक जो स्वीट्स हैं वो आपको मिलती हैं कुनाफा हाउस इचरा में। इस टाइम पे भी मौजूद हूँ, इसको आप गूगल कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वन ऑफ जो कि स्वीट्स हैं और बहुत ही डिफरेंट है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा मीठा करके भी खा सकते हैं, बहुत रेगुलर मीठा करके भी खा सकते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शन भी है। सो गाइस, इसके हैं जी बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे लुक्स इसके। देखिए आप, ऊपर ड्रेसिंग की बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी है, और मुझे जो इनका बहुत ही मोस्ट फेमस फ्लेवर है मैं वही हमेशा ट्राई करती हूँ। वन इज़ द चीज़ फ्लेवर जो कि टर्किश चीज़ फ्लेवर होता है, और दूसरा जो क्रीमी चीज़ टर्किश क्रीम जो है इनका, वो रेगुलर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो मैंने ट्राई किया है हमेशा और मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया इसके इस फ्लेवर ने। तो आप ये दोनों फ्लेवर ट्राई करें। ये है जी शुगर सिरप, अगर आप इसको टेक अवे करते हैं तो ये आता है आपके साथ। इसके बाद ये ड्रेसिंग के लिए नट्स हैं यहाँ पर, और ये कितना खूबसूरत लग रही है, ये क्यूट क्यूट सी बॉटल, ऐसे लग रहा है इसमें कोई अतर या फिर कोई फ्रेगनेंस डाली हुई है। और इसके बाद जी ये हैं इसके शायद पायनियर, और यहाँ पे बाकी जो सब ये सब डिलाइट्स हैं अरेबियन वो आपको मिलती हैं, जो कि मैंने ट्राई नहीं की है। और बकलावा ट्राई किया है बहुत दफ़ा, बट मैंने यहाँ का नहीं ट्राई किया है। तो इंटीरियर देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस भी है। स्मॉल वन आपको मिलता है 600 में। अब मैं आपको इसकी प्राइसेस और इसके फ्लेवर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे नुटेला कुनाफा है, इसके बाद जी क्रीम चीज़ कुनाफा है, और टर्किश क्रीम कुनाफा है जो मैंने आज ट्राई किया। मैंने क्रीम चीज़ भी ट्राई किया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। उसके बाद यहाँ पे बाकी इनकी जो डिशेस हैं, बकलावा है और जो ये सारे अरेबियन डिलाइट्स हैं इनके, उसका मेन्यू लिखा हुआ। बट कुनाफा को आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपने ट्राई नहीं किया है। फूडपांडा पर भी आता है और आप इनको घर पर डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो टर्किश क्रीम कुनाफा है वो कैसा रहा, और उसकी लुक भी दिखा देती हूँ आपको रियल में वो कैसा लगता है। सो गाइस, बहुत बड़ा सेटअप तो नहीं है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट है, और स्पेशली फॉर कुनाफा है जिसका नाम है कुनाफा हाउस इचरा, और लाहौर से मैं हूँ और डेफिनेटली लाहौर में ही है इचरा। तो जी मेरा कुनाफा आ चुका है, अब आपको दिखाती हूँ कुनाफा। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा बेक हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। मैं इसको करने वाली हूँ ट्राई, मेरी फर्स्ट बाइट जाने वाली है, और आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये ऊपर से पूरी स्विंग की लेयर है, इसके ऊपर शुगर सिरप आया हुआ है और सेंटर में इसकी क्रीम की लेयर है, और ये रहा मेरा फर्स्ट बाइट ऑफ कुनाफा। सो गाइस, ये है फर्स्ट बाइट ऑफ कुनाफा। आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।